हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र फॉर यू में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आप लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि सभी का सिलेक्शन हमें चाहिए है। तो आज हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम समय में एक लेक्चर जो होता है साइकोलॉजी का चाइल्ड डेवलपमेंट पर, उसको कंप्लीट कर देंगे। तो प्लीज़ एक बार इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें भी पुनर्बलन, मोटिवेशन, री एनफोर्समेंट मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है मैस्लो का अभिप्रेरणा का आवश्यकता या मांग या मानवतावादी सिद्धांत। कभी कभार वो ये पूछता है कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, नीड थ्योरी। कभी वो पूछता है कि मांग का सिद्धांत किसने दिया। कभी वो ये पूछ लेता है कि मानवतावादी सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम, तो अब्राहम मैस्लो। और कभी इस सिद्धांत को हम लोग मैस्लो का अभिप्रेरणा का क्रमता या हायरिकल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। हायरिकल का होता है, अर्थ होता है कि कोई भी चीज उसको सिस्टम में अरेंज कर देना, एक सीढ़ी के रूप में, अनुक्रम के रूप में, जैसे कि 1 2 3 4, इस अनुक्रमता को हम लोग बोलते हैं एक सीढ़ी या हायरिकल थ्योरी। तो ध्यान रखिएगा जो मैंने शब्द बोला वो भी इम्पोर्टेंट है। आप नाम से ही पता चल रहा है कि मोटिवेशन से संबंधित लेक्चर है आपका, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बोलूंगा, उसके बाद ये डायग्राम बना हुआ है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैस्लो साहब बोलते हैं आवश्यकता जो होती है, आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। यानी कि एक नीड जो होती है इंसान को किसी काम को करने के लिए, वो जो आवश्यकता है वही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। आगे बोलते हैं अब्राहम मैस्लो, व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी या आवश्यकता महसूस करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह क्रियाशील या अभिप्रेरित हो जाता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, नोट करेंगे। आगे बताया गया है, मैस्लो बोलते हैं कि जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो व्याख्या जो होती है एक क्रम के रूप में की जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुक्रम या हायरिकल या एक सीढ़ी के रूप में की जाती है। और मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो 5 क्रम के रूप में व्यवस्थित की गई है, जो जैसे सामने आपको दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 क्रम में जो आवश्यकताएं हैं एक सीढ़ी के रूप में व्यवस्थित की गई हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को हम लोग हायरिकल या अनुक्रम या सीढ़ी का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि 5 अवस्थाओं में 5 सीढ़ी के रूप में व्यवस्थित किया गया है मोटिवेशन से संबंधित। अब अब्राहम मैस्लो बोलते हैं कि जो इनका सिद्धांत है, सबसे पहले जो भी आपकी भौतिक आवश्यकताएं होती, जैसे कि रोटी, प्यास, भूख, या शरीर की जितनी भी नीड्स हैं आपकी, फिजिकल नीड्स हैं, भौतिक आवश्यकताएं, और जितनी भी आपकी डिजायर्स, इच्छाएं जो होती हैं, वो सब सब आपकी जो होती हैं एक बेसिक नीड होती है आपकी, सबसे ग्राउंड फ्लोर पर है आपका, ध्यान रखेंगे। मैस्लो जी बोलते हैं कि देखिए, किसी भी इंसान को जीवन में तरक्की करना, आगे बढ़ना है, मोटिवेट होना है, बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन सबसे जो बेसिक नीड होती है ना, वो रोटी होती है, जो कि एक हमारी शरीर की भूख को पूरा करता है। इसलिए मैस्लो साहब बोलते हैं कि सबसे जो बेसिक नीड है वो आपकी ग्राउंड पर है, उसका होना बहुत जरूरी है। रोटी या शरीर की भौतिक आवश्यकताएं या इच्छाएं, सामने लिखा हुआ है, वाटर भी लिखा हुआ है, फूड भी लिखा हुआ है, रेस्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैस्लो साहब बोलते हैं कि जो दूसरा चरण है वो है आपका सुरक्षा, जिसे आप बोलते हो सेफ्टी। जैसे कि रोटी मिल गई, अब शरीर को ढकने के लिए कपड़ा भी तो चाहिए हमें सर्दी से बचने के लिए, या बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है, क्यों खुलवाया है, घर में तिजोरी में क्यों नहीं रखते अब लोग, ताकि पैसा हमारा बैंक में सुरक्षित रहता है। लोग बीमा पॉलिसी क्यों कराते हैं, सिक्योरिटी के लिए, पैसा बैंक में क्यों, सिक्योरिटी, घर क्यों बनाते हैं, सुरक्षा देता हमें बरसात से बचने के लिए। तो जो सेकंड है आपका स्टेप, वो है आपका सेफ्टी या सुरक्षा या बसेरा या घर से संबंधित। अब मैस्लो साहब बोलते हैं कि जो व्यक्ति जो है उसने सुरक्षा भी मिल गया, अब वो व्यक्ति जो है कहीं भी रह रहा है, व्यक्तिगत तो है नहीं, पर्सनालिटी व्यक्तिगत है, लेकिन वो अकेले नहीं रह रहा है, पूरी सोसाइटी में रह रहा है। तो जो थर्ड स्टेप है वो है आपका समाज, रिश्ते, परिवार, फैमिली, रिलेशनशिप दूसरों के साथ, ठीक है, जितने भी आपकी सोसाइटी से जुड़ी हुई चीजें हैं, शादी, मैरिज, ये सारे के सारे जो रिलेशनशिप है हमारे जो बिल्ड होंगे, वो तीसरी स्टेज में होंगे ये,
जो मैंने अंडरलाइन किया है। इतनी बात हो गई। अब एब्राहिम मैस्लो ने ये बोला, स्टार्टिंग से 1, 2, 3 जो हैं वो निम्न स्तर में हैं, यानी कि चौथा और पांचवा जो है वो उच्च श्रेणी के हैं। अब देखते हैं कि चौथे में क्या बोलता है। देखिएगा, समाज में आपने बोला कि रिलेशनशिप भी हो गए हमारे दूसरों से, फैमिली, परिवार, रिश्ते। अब लेकिन हम आपसे बोले कि आपकी समाज में वैल्यू या प्रतिष्ठा तब होती है जब आप कोई काम करते हो जो लोगों को दिखता है, जो आपकी एस्टीम को पूरा करता है। अगर आपको जॉब मिल जाती है या कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आपका वो बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ेगा, अगर जॉब मिल गई आपको जिससे आप कुछ खरीद सकते हो, तो जितनी, क्योंकि आपकी कोई भी हेल्प एक लिमिटेड तक करेगा। जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना, जब करने लगोगे ना, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। तो चौथा स्टेज जो है वो आपका जो होता है वो नौकरी सम्मान से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है। अब इतनी बात रह गई, नौकरी भी मिल गई आपको, सम्मान भी मिल गया। अब देखिएगा आपका, अब पांचवा देखिएगा क्या बोल रहा है। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, हो सकता है कि आपने जॉब करी कोई, लेकिन उस जॉब को आपको करना है क्योंकि वो आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। लेकिन कभी कभार आपने ऐसा सुना होगा या देखा होगा कि मैं जॉब कर रहा हूं लेकिन मेरा मन कहीं और लग रहा है, या उस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो वहां काम करना पसंद करते हैं कुछ लोग, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए या आत्मसिद्धि पूर्ति होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो कि मैस्लो के अनुसार लास्ट स्टेज है। क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, कभी कभार एक सिंपल सा उदाहरण है, जब हम किसी व्यक्ति को उसकी मन मर्जी का काम करने देते हैं ना, अगर उसमें डायरेक्शन मिल जाए तो वो काम हम लोग उस काम से बेहतर कर लेंगे जो हमें जबरदस्ती कराया गया था। फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पांचवा है आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन या आत्मसिद्धि, जहां पर हमारा मन लगता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। और ये वाली स्टेज आपकी मानवतावादी भी कहलाती है, क्योंकि यहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं पांचवे तक। मानवतावादी की तरह सोचना, बहुत कम लोग हैं कि गांधी, पटेल, अंबेडकर जी की तरह सोचें, जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर लोगों के वेलफेयर के लिए सोचना चालू कर देते हैं, वो पांचवी स्टेज। ध्यान रखेंगे मैं जो मैंने बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर, अब्राहम मैस्लो ने बोला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए इसकी अवस्था को, पांचवी वाले को आत्मसिद्धि के साथ मानवतावादी अवस्था भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये था इब्राहिम मसलो का 5 चरणों का अभिप्रेरणा का मांग या आवश्यकता या मानवतावादी सिद्धांत, उसकी जो नीड्स हैं एक क्रम के रूप में पूरी होती हैं, बेसिक से लेके एडवांस, बेसिक से लेके वो ऊपर तक पहुंचता है। सर्वप्रथम उसकी बेसिक नीड होना चाहिए, तब जाके वो जीवन में आगे बढ़ेगा। उसी से संबंधित मैस्लो जी का सिद्धांत है। वो ये पूछता है, पांचवें चरण और पांचवा चरण संबंधित है, पहले चरण में क्या बोला गया है, तीसरे में, चौथे में, दूसरे में, इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका टीचर के, एक टीचर एग्जाम में, टेट एग्जाम में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक सीमित था। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पर होगा, मोटिवेशन पे, इसको कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।